हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? तो इसमें हम यहाँ पे दो मेथड यूज करेंगे। पहला तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और सेकंड नंबर पे हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन इसे हम मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन और ये डी एक्स। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, थ्री एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स और प्लस टू और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स प्लस वन और इंटू में डी एक्स। तो अब हम यहाँ से ऊपर एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में, और इन दोनों टर्म्स में हम टू को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे टू, क्या बचेगा एक्स प्लस वन और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन और इंटू में डी एक्स। अब हम इसका अलग अलग डिवाइड लगा देंगे तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन ठीक से लिख देते हैं, ये प्लस वन। उसके बाद में यहाँ पे इसको अलग अलग कर देते हैं डी एक्स प्लस टू यहाँ पे एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन और इंटू में डी एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन और इंटू में डी एक्स प्लस ये हो जाएगा टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो इसको हम आई वन बोल देते हैं, इसको हम आई टू बोल देते हैं। तो इसको हम पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लास्ट में इनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम आई वन को सॉल्व करते हैं। तो आई वन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस वन डी एक्स। तो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, जस्ट इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो यही एज इट इज रहेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमारा यही एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से इसको लिखते हैं, ये ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस सी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स और प्लस का बी, और ये सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से अब हम एक्स स्क्वायर वाले कोफिशियंट को अलग कर लेते हैं, एक्स के कोफिशियंट को अलग कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसमें बचेगा a और प्लस का c, x में क्या बचेगा, ये हो जाएगा a, a ये यहाँ से और b यहाँ से a प्लस b, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या बच रहे हैं, केवल b प्लस c। तो यहाँ से हम दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, जीरो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा वो भी जीरो होगा, यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट वाले को भी इधर जीरो लिख सकते हैं इज इक्वल टू।
तो यहाँ से अब हम कंपेयरिंग कराते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, x का कोफिशियंट 1 है, और b प्लस सी कितना हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस सी, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं इधर सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 है ये, या बी प्लस सी लिख लो या सी प्लस बी लिख लो एक ही बात है, तो सी से सी कैंसिल, ऐड कर रहे हैं तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसमें पुट कर देंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी यानी कि -1/2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सी है, और c की वैल्यू -1/2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ से हमारा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये था ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा 1/2x, और b की वैल्यू प्लस 1/2, और अपॉन में था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस c, c की वैल्यू -1/2, और अपॉन में x प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया ये पूरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी dx हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई वन क्या हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1 dx, इसको हमने अलग अलग कर दिया है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और इंटू में dx। तो अब हमें इसका करना है, तो आई वन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, और ये तो है ये -1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। तो यहाँ से हम इसका इस वाले का सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेट लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया, और x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2, तो यहाँ से 1/2 पहले से ही है और यहाँ का 2 और आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, ये हो गया प्लस 1/2, 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x ये इसका हो गया, और माइनस का 1/2 ये हो जाएगा log x प्लस 1, और ये प्लस का c1 कांस्टेंट, यहाँ पे हमने c1 यूज कर लिया है, तो i1 इज इक्वल टू इसको और कर देते हैं 1/4, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, यहाँ पर log t और ये प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस का c1 कांस्टेंट, i1 इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4 ये हो जाएगा log यहाँ पर t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x प्लस मॉड x प्लस 1 और प्लस का c1, तो ये हमारी i1 की वैल्यू होगी। अब हम i2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा i2 कितना हो जाएगा, i2 हमारा ये है 2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो i2 हमें यहाँ पर है 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे इसे पुट करते हैं, तो i2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx की जगह sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये tan यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये डी थीटा ऊपर है ये, तो i2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में sec tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की पावर 2,
ये हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा ये पावर से दो बार कट जाएगा, तो i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये थीटा दो बार लिख गया, ये यहाँ से एक ही बार थीटा डी थीटा आएगा, तो i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, नीचे sec स्क्वायर थीटा बचा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा डी थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, हमें पता है क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा। तो i2 की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पर ये cos 2 थीटा प्लस 1 और यहाँ पे ये d थीटा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और इसका थीटा, और इसमें कॉन्स्टेंट हम क्या ऐड कर देते हैं सी टू। तो यहाँ से I2 अब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी है x है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम साइन 2 थीटा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारा, और ये 2 से ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की जगह हम कितना पुट कर देते हैं टेन इनवर्स x, ये टेन इनवर्स x और प्लस c2। हमें यहाँ से i1 की वैल्यू भी मिल गई, i2 की भी मिल गई, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 प्लस i2, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। i1 की क्या थी, तो i1 के हमारे पास वैल्यू ये रखी हुई है 1 अपॉन 4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x यहाँ पे है और i2 में सिर्फ tan इनवर्स x है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 अपॉन 2 log mod x प्लस 1 और प्लस का c1, तो ये 1 अपॉन 4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 2 tan इनवर्स x यहाँ पे और वहां पे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x का, तो ये 3 अपॉन 2 tan इनवर्स x और प्लस का x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और c1 प्लस c2 को हम एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं c, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।